आई हैव डूइंग वंडरफुल 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 सो दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ हेल्पिंग हैंड ये एक छोटा सा इनिशिएटिव था जो मैंने ट्वेंटी को ही स्टार्ट किया था जिसके तहत मैंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो मुझसे कुछ गाइडेंस लेना चाहता है नॉट सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेरीज बिकॉज उसको तो सॉल्व करने का एक तरीका है जो सालों से चली रहा है एनी पर्सन शॉर्ट ऑफ गाइडेंस कैन कमेंट बिलो दिस वीडियो एंड आई वुड ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कम अप विद आंसर एंड ऑल ओवर इंडिया से हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स कमेंटेड एंड स्पेन ऑफ जस्ट टू डेज देर आर फोर हंड्रेड एंड नाइन एट कमेंट्सों को प्रोबेबली ऐसा है कि इन क्वेश्चन के आंसर की कितनी जरूरत है एंड ट्रस्ट मी ऐसा नहीं है कि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं पता है इट इज प्रोबेबली मैं कोशिश करूंगा कि मैं बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स से आपको एक सेटिस्फैक्ट्री सा रिप्लाई और एक इस प्रकार की चीजें बता सकूं जो कि आपके एग्जाम प्रिपरेशन के अंदर बहुत हेल्पफुल रहे ओके okay? एंड यू हैव माई वर्ड के आई एल बी कंटिन्यूसली डूंग इट ऐसा तो ऐसा नहीं है कि ये अकेला अपिसोड रहेगा दिस भी एपिसोड वन एपिसोड टू एपिसोड थ्री मैं जैसे जैसे मुझे समय परमिट करेगा मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट कमेंट्स को आंसर करता रहा हूँ बिकॉज सिंस दे आर मतलब फोर नाइनटी एट कमेंट्स तो अगर मैं एक कमेंट को एक मिनट भी लेता हूँ तो ये कुछ सात आठ घंटे का वीडियो हो जाएगा तो ये तो संभव नहीं है बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं जैसे जैसे समय परमिट करेगा मैं आप बच्चों के सारे कमेंट्स को आंसर यहाँ पे करता रहूंगा कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो अभी तक कमेंट नहीं किया है फिर उसको कोई और चीज दिमाग में आ जाती है कि सर ये भी प्लीज बता दो तो वो इसी वीडियो के नीचे और हेल्पिंग एंड इट्रैक्शन जो वीडियो है उसी के नीचे और कमेंट्स कर सकता है मैं जब जब समय परमिट करेगा मैं एपिसोड लाता रहूंगा और आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट कमेंट्स के आंसर करता रहूंगा तो मैं जब कमेंट्स पे आऊंगा आई विल बी सॉर्टिंग इट बाय टॉप कमेंट्स टॉप कमेंट्स सॉर्ट करने से क्या होता है बेटा जी कि जो कमेंट्स पे मैक्सिमम बच्चों ने लाइक किया हुआ है एंड उसके नीचे कमेंट्स किए हुए हैं कमेंट के नीचे सब कमेंट्स किए हुए हैं वो मैं पहले आंसर करूंगा इसका मतलब ये है कि दीज आर क्वेरीज जिनका आंसर बच्चों को चाहिए तो तो आप आप जब यहां पर आते हैं तो क्वेरी कमेंट टाइप भी कर सकते हैं अपना साथ ही साथ आपको लगता है कि जो आपको क्वेरी है जो आपको पूछना है जो गाइडेंस आपको चाहिए वो ऑलरेडी किसी बच्चे ने पूछा हुआ है तो आप उसी को सिंपली लाइक कर दीजिए आपने उसके कमेंट को लाइक किया तो मैं समझ जाऊंगा कि ये क्वेश्चन भाई साहब इतने सारे बच्चों का है ठीक है तो मैं उसको प्रियोरिटी पे लेके आंसर करूंगा तो जैसे कि यहां पे दिख रहे हैं फोर कमेंट्स और पहले ही कमेंट पे 43 स्टूडेंट्स वांट दिस टू बंसर तो तकरीबन आप मान के चलिए फोर नाइन एट कमेंट्स नहीं है ये कम से कम 2000 बच्चों के क्वेश्चन और right? तो आप बच्चों को अगर और भी क्वेश्चन आते हैं तो इसी इंट्रोडक्शन वीडियो के नीचे ही आप उसको पोस्ट करते रहिए जैसे जैसे टाइम मिलेगा हंड्रेड मेरी कोशिश रहेगी कि हर एक बालक तक मैं जो मेरा बेस्ट पॉसिबल एफर्ट से आंसर कर सकता हूं मैं वो करने की कोशिश करूंगा

तो कुछ बच्चे पांच से दस मार्क्स के अमेंडमेंट्स के चक्कर में जो पूरी प्रिपरेशन रोक देते हैं तो आई सजेस्ट वेस्ट इज आप मस्ती में आप मस्ती में अपनी तैयारी करिए राइट right? जो भी अमेंडमेंट्स है। हैं वो हमारी जिम्मेदारी है मेरे जितने सब्जेक्ट्स हैं कंपनी लॉ सिक्योरिटीज लॉ एमसीएस फंडिंग आईबीसी जो भी जून अटेम्प्ट के अमेंडमेंट्स होंगे ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई विल एंश्योर दैट दीज अमेंडमेंट्स आर रीचिंग ईच एंड एवरी स्टूडेंट इन इंडिया इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट दैट स्टूडेंट इज माइन नॉट तो अमेडमेंट सब तक पहुंचेंगे ये मैं अश्योरिटी लेता हूं आपकी

जो बच्चा अगर चाहता है तो उसको ऐसा है कि एंड के पांच रून में उसको सारे टेकअवेज मिल जाएंगे राइट right? तो सबसे पहली चीज एक मैं क्लियरली कह रहा हूं बेटा जी मेरे सारे सब्जेक्ट्स एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल कंपनी लॉ सिक्योरिटीज लॉ और प्रोफेशनल का मॉड्यूल थ्री जो मैं पढ़ाता हूं इसके अमेंडमेंट्स आई विल कवर ऑन यू बात ही खत्म हो गई ठीक है तो इसके सारे अमेंडमेंट्स मैं कवर कराऊंगा यूट्यूब पे जो भी जून 2021 के लिए एप्लीकेबल है क्लियर है है तो ये ये एक आई गेस बहुत बच्चों का क्वेरी था सॉल्व हो गया ठीक बेटा जी चलिए ओके थैंक यू वैष्णवी फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋतु की तरफ से सर हाउ सर एंड हाउ ठीक है शुड आई डील विद एडिशन एंड अमेंडमेंट इन जून सेम क्वेश्चन सेम आंसर पूरी जिम्मेदारी मेरी हाँ Editions को लेकर लोड मत लेना editions भी मैं कवर मैंने अमेंडमेंट्स अगर कोई है वो भी मैं कवर करूंगा फॉर दैट मैटर एडिशंस ऑलरेडी मैं कवर कर रहा हूँ कब से तो जो हमारे पेन स्टूडेंट्स उनको पता है बट आई श्योर जो हमारे स्टूडेंट नहीं भी है उन तक भी एडिशन एंड अमेंडमेंट्स मेरे हंड्रेड टेन परसेंट पहुंच जाएंगे ठीक है बेटा जी तो ये मैंने पहले क्वेश्चन आंसर दिया विनीता वैद विनीता वैद है हमारी प्रोफेशनल की इस बार की ए आई फाइव थैंक यू सो मच फॉर मैं विनीताइंड

राइट टू नो एक बालक पूछ रहा है सर प्लीज सी लॉ और सी एम एल ओल्ड सिलेबस आपकी बुक्स और पी डी एफ अमेंडेड बेटा जी ऐसा है कि कंपनी लॉ और सिक्योरिटीज लॉ ये एक और क्वेश्चन होगा बहुत सारे बच्चों का कि कंपनी लॉ और सिक्योरिटीज लॉ के ओल्ड सिलेबस के मेरे लेक्चर्स और बुक्स तो ओल्ड सिलेबस के मेरे लेक्चर्स भी अवेलेबल नहीं है और बुक्स भी अवेलेबल नहीं है उसका रीजन ये है कि एक्चुअली लेक्चर्स अवेलेबल है मेरे पास बट वो है तीन साल पुराने तीन साल से न्यू सिलेबस के लेक्चर्स हो रहे हैं तो तीन साल पुराने लेक्चर्स हैं एंड हैंस वी डू नॉट सेलिट एनी मोर बट अगर किसी बच्चे को वो लेक्चर्स देखने हैं तो वो क्या कर सकता है

उस बैच की रिकॉर्डिंग भी हम फ्री में अवेलेबल कर रखी है। शुभम मेंटोरशिप करके एक मोबाइल एप्लीकेशन है उस पर डाउनलोड करेंगे तो आपको करके एक, uh, uh, मिल जाएगा अमेंडमेंट्स आपको पूरे पढ़ने पड़ेंगे अमेंडमेंट्स एवरी सिक्स मंथ्स में मैं करता हूं। तो आप यूट्यूब देखोगे हर अटेम्प्ट का मेरा मिल जाएगा तो दिस इज यू कैन प्रिपेयर ओके तो ओल्ड से बच्चों के लिए भाई है। मैं माफी चाहता हूँ बट ओल्ड के बच्चों का प्रॉब्लम तीन साल पुराना है रीजन वी सेल इट बट uh, उसके अंदर अमेंडमेंट्स आपको सेपरेटली पढ़ने ही पड़ेंगे ओके सो आई बिलीव दिस इज अनदर क्वेश्चन आंसर देन कम्स राहुल पूछ रहे हैं सर इट्स माय हंबल रिक्वेस्ट दैट यू प्लीज हेल्प एग्जीक्यूटिव सिलेबस स्टूडेंट्स वी डोंट नो एक्चुअली व्हाट टू स्टडी और नॉट सर प्लीज गाइड अस इन कंपनी लॉ एंड सीएमएसएल सब्जेक्ट सर एवरी ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट आई ऑन यू अरे राहुल बिल्कुल मैं आपकी बात समझता हूँ इसी कारण से मैंने ओल्ड सिलेबस के दोनों लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रखे हैं बट वही बात है कि उसमें अमेंडमेंट्स इंक्लूडेड नहीं है उसका मैं कुछ नहीं कर सकता बिकॉज मेरे लास्ट बैच के विडियोज हैं

नेक्स्ट क्वेश्चन है निकिता मौर्य का सर आई एम नॉट क्लियर इन मॉड्यूल वन एंड नाउ आई हैव आईव ऑलोन मॉडल टू क्लासेस इन थ्री सबसे पहले तो एक डिसीजन लेना है आपने मैं ये क्यों डिस्कस बहुत सारे बच्चे सिमिलर इशूज फेस कर रहे होंगे निकिता सबसे पहला एक डिसीजन आपने लेना है बेटा जी कि क्या आपने जून में बोध ग्रुप देना है या नहीं ये डिपेंड करता है मॉड्यूल वन की तो आपकी पहले से प्रिपरेशन हुई हुई है जैसे कि आप बता रहे हैं कि मॉड्यूल वन में आप क्लियर नहीं हुए मतलब प्रिपरेशन हुई हुई है आपकी मॉड्यूल के आपके क्लासेस कितने हो चुके हैं? इस पर डिपेंड करता है अगर आपके आप मॉड्यूल टू के क्लासेस टू के ठीक है सो कोशिश करिए मार्च एंड तक आपके मॉड्यूल टू के क्लासेस हो जाए जो आपके ऑलरेडी चल रहे हैं आफ्टर आपके तो बचेंगे अप्रैल और मे इन दो महीने के अंदर आप जी जान कैन कंफर्टेबली क्लियर बोथ ग्रुप्स ठीक है बेटा जी एंड मेरा एक और रिक्वेस्ट रहेगा कोई बच्चा जो क्लियर है वो देख रहा है तो तो जब ये बच्चे से क्वेश्चन पूछते हैं और आप इस सिमिलर सरकम में पहले रह चुके हैं तो कोशिश करिए बच्चों को हेल्प करने की और इनके नीचे और रिप्लाई करिए आपके कमेंट्स बिकॉज आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो पहले क्लियर नहीं हुए थे और इस बार बोध ग्रुप क्लियर हुए तो ये कॉन्फिडेंस दीजिए कि बिल्कुल दो महीने अगर जी जान से पढ़े तो बोध ग्रुप की सेल्फ स्टडी के लिए इनफ होता है ओके okay? साक्षी का सेम ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन है तो आई गेस आई हैव आंसर दैट

राइट सो वी गोइंग टू स्टार्ट दैच ऑन थर्ड ऑफ मार्च ठीक है और बहुत दीवानों वाले ऑनलाइन लाइव एकदम इंडिया के कोने से कोई भी बालक उसको देख पाएगा राइट right? ये मेरा ऑनलाइन लाइफ का सेकंड बैच होगा जो प्रोफेशनल का भी रिजल्ट है वो बच्चों का मेरा ऑनलाइन लाइव ही बैच था पिछली बार बिकॉज मार्च में बैच स्टार्ट हुआ था एंड आफ्टर लॉकडाउन हो गया था तो पूरा ऑनलाइन लाइव भी चलाता है दिस इज द सेकंड ऑनलाइन लाइव बैच अब तो खैर कैसा है तब तो हमने बहुत संघर्ष किया था जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा बहुत संघर्ष करके हमने पढ़ाई की थी अब तो खैर इतने सारे सॉफ्टवेयर और एप्स डेवलप हो गए अब बहुत ईजी हो जाता है ठीक है थर्ड मार्च से स्टार्ट हो रहा है प्रोफेशनल का डिसेंबर के लिए बैच कनिष्का सर आई एम एग्जी ओल्ड सेलेबस स्टूडेंट सर काइंडली हेल्प मी आउट हाउ टू राइट आंसर इन सी ला ई सी ए मै सर बिकॉज आई एम लैकिंग इन दट हाउ टू राइट एंड हाउ टू हाउ टू राइट हाउ मस्ट टू राइट एंड हाउ टू राइट वन मोर थिंग सर ड्यूरिंग एग्जाम आई नो वट इज आंसर ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन बट डेंट रिकॉकॉल द एक्ट वर्ड्स हाउ टू लैबरेट वैट दिस इज हैपनिंग अगे एंड अगेन आम नॉट गेटिंग सर प्लीज है तो बहुत सारे बच्चों को ये भी शायद प्रोबली क्वेश्वन होकर सर हम पढ़ते हैं बट एग्जाम में याद नहीं रहता और लिखना कैसे सो so, एक बहुत सिंपल तरीका

कीवर्ड्स देखिए लैंग्वेज खुद की फ्रेम की यू विल गेट द बेस्ट पॉसिबल मार्क्स ओके तो जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स है उनको और कमेंट करके बता सकते हैं कि मॉड्यूल का लैंग्वेज कॉपी पेस्ट नहीं करना होता है कीवर्ड्स वहां से लिए अपनी लैंग्वेज में लिखा तो भी चलेगा सेकंड क्वेश्चन आपका था कि हाउ टू राइट आंसर्स आप सिंपल सर्च करेंगे ना यूट्यूब आंसर्स इन कंपनी लॉ तो उसका मेरा एक पूरा वीडियो है उसमें बताया कि कंपनी लॉ में कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उनके कितने प्रकार से आंसर लिखना होता है तो कितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन का किस प्रकार से आंसर लिखना होता है ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड

स्कोर्ड नाइनटी फोर मार्क्स इन सिक्योरिटी फोर मार्क्स तो सिक्योरिटीज लॉ इजेक्ट जो कि काफी स्कोरिंग हो सकता है अगर आप उसके अंदर थोड़े से मॉड्यूल के की वर्ड यूज कर लें तो ओके सो दैट वे आई थिंक यू कैन कंफर्टेबली इंप्रूव योर मार्क्स कनिश्का नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सैनिक महेश्वरी सर एपियर फॉर एक्जीक्यूटिव बोर्ड ग्रुप न्यू ऑल्द आई स्कोर मिनिमम रिक्वर्य मार्क्स इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट बट फेल टू स्कोर द एग्रिकेट ऑफ फोर हंड्रेड मार्क्स आई फील दैट आई लाइक लैड इन हाउ टू राइट आंसर्स टू स्कोर मोर प्लीज गाइड मी फॉर द सेम इफ दर इस एनी अद इम्पोर्ट विच आई शुड फोकस दिस टाइम थैंक यू टू योर टीम टू दिस थैंक यू सो मच सैनिका फॉर योर काइंड वर्ड्स अंडरस्टैंड वेरी केयरफली पहला तो मेरा आपको सजेशन रहेगा हर वो बच्चा जिसको ऐसा लगता है कि उसके मार्क्स अच्छे से नहीं आ पा रहे हैं उस बालक ने क्या करना चाहिए अपनी कॉपी मंगवा लेनी चाहिए तो इंस्टीट्यूट से अपनी कॉपी मंगवाओ एंड आप तो आर टी आई के थ्रू आइए उसको टेन रुपीज़ में मंगवा सकते हो राइट तो अपनी सारी ही कॉपी मंगवाजिए जैसे ही आपने अपनी सारी कॉपीज मंगवा ली कि आपके सारी कॉपीज आ चुके हैं देन यू सी कि इंस्टीट्यूट ने आपको कौन से क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स दिए कौन से क्वेश्चन में बुरे मार्क्स दिए सो इन यू कंपेयर दिस ना कि हाँ इस क्वेश्चन में अच्छे मार्क्स हैं इस क्वेश्चन में बुरे मार्क्स हैं देन यू कैन सी कि इस टाइप से अगर मैं आंसर लिखता हूं इस प्रकार से अगर मैं आंसर लिखती हूं देन आई गेट गुड मार्क्स एंड इस तरह से अगर मैंने आंसर लिखा तो आई गेट आई डो नॉट गेट दैट गुड मार्क्स तो ये चीज आपको समझ में आएगी आफ्टर यू कैन कंटिन्यू योर आंसर राइट ठीक है तो दैट इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि आप कहां पे लैक कर रहे हैं Second, जिन जिन बच्चों को एग्रीगेट का प्रॉब्लम होता है ना उनको ये चीज समझ नहीं होगी दैट टू क्लियर एग्रीगेट आप कोई भी बच्चे का पासिंग मार्क्स देखो ना तो ऐसा नहीं होगा बच्चे का सब में फिफ्टी फिफ्टी आए नहीं कोई एक दो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें द स्टूडेंट है स्कोर आउटस्टैंडिंग सिक्सटी फाइव सेवेंटी फोर दिया टू एंश्योर दी एग्रीगेट का आपने कुछ सब्जेक्ट के अंदर तो आउटस्टैंडिंग स्कोर करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग स्कोर करना पड़ेगा ठीक है तो ये आपके एमसीक्यू सब्जेक्ट्स हो सकता है

वो मोमेंट है आज आपके पास में उस मोमेंटम में प्रोफेशनल के तीनों ग्रुप फोड़ दो हंड्रेड एंड टेन परसेंट यानी एक बात है जो मैं हमेशा कहता हूँ मैं प्रोफेशनल के बच्चों को भी कहता हूँ एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में एग्जीक्यूटिव ज्यादा टफ है एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल में एग्जीक्यूटिव ज्यादा टफ है उसका एग्जीक्यूटिव में आर तो डाइवर्सिफाइड डाइवर्सिफाइड सब्जेक्ट है कि टैक्स एक अलग डोमेन में भाग रहा है कॉस्टिंग अकाउंट्स अलग है कंपनी एक तरफ है, सब अलग अलग डोमेन में भाग रहे हैं वही प्रोफेशनल के सब्जेक्ट्स देखेंगे ना तो प्रोफेशनल के सब्जेक्ट ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है कि सारे सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं कंपनी लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स आते हैं ठीक है थेके? फिर कुछ सब्जेक्ट्स आ जाते हैं आपके जैसे कि टैक्स एक हो गया तो इस प्रकार के कुछ सब्जेक्ट मोर ऑफ द द् रिलेटेड टू कंपनी लॉ तो एक सिमिलर मतलब सारे सब्जेक्ट आपस में लिंक मिलेंगे प्रोफेशनल में एक बहुत बेहतरीन चीज मिलेगी आपको नेवर नो कि एक सब्जेक्ट में दूसरे पेपर का क्वेश्चन पूछ लिया कि फॉर एग्जाम्पल मॉड्यूल वन का एक सब्जेक्ट है उसके एग्जाम के क्वेश्चन में मॉड्यूल थ्री के टॉपिक से पूछ लिया है इट इज अ वेरी कॉमन थिंग इन प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स आर सो इंटरलिंक्ड राइट तो ट्रस्ट मी तीनों ग्रुप साथ में दो तो, आप फोर्ड दो के तुषार तो ओके okay? साक्षी गोयल सर आई क्लियर बोथ ग्रुप्स डर सी एस शुड आई स्टार्ट प्रिपरेशन विद फुल स्पीड एंड हाउ कैन आई प्रैक्टिस मोर इन शॉर्ट टाइम सबसे पहली बात साक्षी ऐसा समझिए हर वो बालक जिसका रिजल्ट कभी नेगेटिव आता है इस बात को समझिए कि आपके साथ कुछ बहुत गलत नहीं हुआ है

I have to pen down these are the mistakes I have made. मैंने टेस्ट पेपर प्रैक्टिस नहीं किए, मैंने कोई टेस्ट नहीं दिए थे मैंने सेल्फ स्टडी को इनअफ टाइम तक नहीं किया मैंने क्लासेस बंक की थी सो यू टू अंडस्टैंड टू पेंड डाउन द पॉइंट कि ये ये मेरी गलतियाँ थी एंड फिर दो तीन दिन बाद पढ़ाई चालू करो जो बालक ऐसा करता है ना कि मान लीजिए फेल हो गया और नेक्स्ट डे से दीदा से पढ़ाई चालू कर दी वो दस दिन पड़ेगा और वापस हिल ब्रेक डाउन अरे नहीं हो पा रहा है ऐसा वैसा तो गैप लो रिजल्ट के बाद दो तीन दिन का गैप लो खुद को क्लियर करो खुद को समझाओ आई है दोन का ब्रेक ले करोगे तो देन आप ब्रेक डाउन नहीं हो गया ठीक है कभी मैं फेल नहीं हुआ बाकी लाइफ में मैं भी फेल हुआ हूँ राइट सो विद एवरी फेलियर फॉर अ फ्यू डेज वी फील कि यह जीवन का अंत है हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है बट जैसे जैसे समय बीतता है आपको समझ में आता है वो बहुत छोटी बात थी यू हैव ओवर रिएक्टेड लाइफ में जब पाँच छह साल हो जाएंगे आपको सी एस वगैरह बन चुके जॉब कर रहे हो प्रैक्टिस कर रहे हो जो भी कर रहे हो फिर आपको लगेगा क्या यार एक अटैप लगा था और मैं ऐसा ब्रेक डाउन हूँ हर किसी का अटैम्प लगता है कोई बड़ी बात है क्या तो ये चीज़ आपको होगी नॉर्मल थिंग इट इज अ पार्ट एंड पार्सल बट डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड क्या फेल हुआ तो चलता है नहीं वो बेफकूफी इट्स अ पार्ट एंड पार्सल एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स दैट यू हैव डन एंड देन गो एंड फाइट इट आउट ओके आई होप द मैसेज इज क्लियरली गिवन रिया जी पूछ रहे हैं सर आई एन सी एग्जीक्यूटिव आई ऑप्टुड आउट फॉर जून ट्वेंटी वन एग्जामिनेशन अब स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जून एग्जाम हाउ कैन आई प्रिपेयर फॉर एयर इन थ्री फ्रॉम जीरो लेवल एंड आई नीड टू फिल एग्जाम फॉर्म अगेन और एग्जाम नॉट रिया आई थिंक जून ट्वेंटी वन एग्जाम से ऑप्ट आउट कैसे कर सकते हैं आप जून ट्वेंटी वन तो है तो मुझे ऐसा लगता है आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि आपने पिछला एग्जाम डिसंबर में ऑप्ट आउट किया था और जून ट्वेंटी ट्वेंटी वन आप देने वाले हैं तो क्या तीन महीने में रैंक आ सकती है बिल्कुल आ सकती है क्या मैंने देखा स्टूडेंट को स्कोर करते हुए

ठीक है तो मैंने बच्चों को देखा जिन्होंने डेढ़ महीने की सेल्फ स्टडी में रैंक लाए बच्चे महीने की सेल्फ स्टडी में तो बिल्कुल आ सकती है बस अपने हार नहीं मानना है कुछ बच्चे फॉर ग्रांटेड लेके बैठ जाते हैं वो नहीं करना है पेपर प्रैक्टिस करना है जितने टेस्ट पेपर देखोगे उतना आगे जाओगे ओके एफ सी एस बी के इंद्रानी जी जी मैंने ओल्ड सिलेबस के बारे में आंसर किया कि कैसे आप ओल्ड सिलेबस की चीज़ों को पढ़ सकते हैं कि मतलब जो लेक्चर्स बुक्स वो सब अवेलेबल जो हैं उसके बाद में अमेंडमेंट्स आपको सेपरेटली पढ़ने पड़ेंगे और मैंने कहा कि क्यों मैं अभी फ्रेश बैचेस या फिर बुक्स नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑलरेडी इतने सब्जेक्ट्स हैं कि वो समय परमिट नहीं कर पाता है ठीक है बेटा जी तो है सब अवेलेबल ऑनलाइन दैट इज ऑल फॉर फ्री दैट इज ऑल फॉर फ्री बिकॉज अकेडमी ऑल्सो इट कि जो ओल्ड सिलेबस के अब मैं अब मैं लेक्चर्स नहीं ले रहा तो उसके मैं लेक्चर्स फ्री में दे सकता हूँ कोई परेशानी नहीं है सो देन द लेक्चर्स आर अवेलेबल फॉर फ्री ओल्ड सिलेबस के

ट मतलब तो तो भी भेजी थी, ऐसे पेपर में पे प्रिंटेड मार्क्सिट थी बाईस साल पुरानी और अब एग्जीक्यूटिव क्लियर हुए asked, मेरे सन का एक कोई जो होता है तो जैसे उससे फ्री होता हूँ कभी भी आप इस चीज से जज नहीं कर सकते बेटा जी उनका जैसे ही वीडियो आएगा मैं ऑफ कोर्स पर शेयर करूंगा आप सब आप सबके लिए इस चीज से जज नहीं कर सकते कि मुझे तीन अटेम्प्ट लग गए तो क्या मैं पास हो सकती हूं या नहीं इस चीज से आप जज नहीं कर सकते यू टू अंडरस्टैंड कि कुछ गलतियां हैं जो आप कर रहे हैं अगर आपने उन गलतियों को विदाउट कर दिया तो आप पास हो जाएंगे तो आप जस्ट पेन पेपर लो बैठो कि क्या मिस्टेक्स मैं हर बार करता हूँ क्या करती हूँ पेपर्स मंगवाओ पेपर्स में देखो कि क्या गलत क्या सही है क्या गलतियां मैंने की है राइट उन गलतियों को देखो एंड आफ्टर आगे बढ़ो मैं एक छोटी सी चीज बोलूंगा कि जब आपके पेपर्स आते हैं मुझे भेजिए है, मैं कान पकड़ के माफी चाहता हूँ कि मैं आपको इमीडिएटली रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ मतलब आई थिंक इतनी मैं आशा करता हूं कि आप इतने दैट दैट यू टू अंडरस्टैंड कभी एक वीडियो है उस कर अगर दो बच्चों के रिक्वेस्ट आ रहे हैं फर्दर कुछ ना कुछ क्वेरीज पे आप कमेंट्स और लाइक्स को अगर इंक्लूड करते हैं तो सो कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कम्युनिकेट विद ईच एंड एवरी पर्सन या फोन पे बात करना संभव नहीं हो पाता बट आई विल सर्टनली ट्राई टू द बेस्ट ऑफ माई एफर्ट्स के हर एक बालक की क्वेरी को मैं पे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो आप व्हाट्सएप करके छोड़ सकते हैं जब मुझे टाइम परमिट करेगा तो मैं उसके अंदर देख के आपको आपकी गलतियां बता दूंगा ठीक है तो प्लीज कॉपीज मंगवाइए कॉपीज मंगवाने से क्या होता है कि आपको समझ में आता है कि किस तरह से आप आंसर लिखते हैं, तो मार्क्स मिल रहे हैं किस तरह से आप आप आंसर लिखते हैं, तो तो मार्क्स नहीं मिल रहे ओके okay? तो इस तरह से आप इंप्रूव कर सकते हैं ट्रस्ट मी तीन अटेम्प्ट चार अटेम्प्ट आर नॉट अ क्राइटेरिया कि मैं सीएस नहीं कर सकता है, कर सकते कोई भी व्यक्ति सीएस कर सकता है जो मेहनत करने को रेडी सीएस मींस एनी प्रोफेशनल कोर्स ओके ईशा जी एक सवाल पूछ रहे हैं सर एम वेड अबाउट वट वेट रॉन्ग मे बट वॉज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस आई आज सॉन्फेंड अउट दिस ग्रुप इज डिस पास आई जस्ट वॉन्ट मोर एंड मोर ऑफ टेस्ट सेशन एंड इज नो टू गवी द करेक्ट वे टू आंसर राइट आंसर इन शॉर्ट इन अपकमिंग टेस्ट सीरीज प्लीज एड एन ऑप्शन टू एनालिस ऑफ आंसर शीट सो दट आई कैन ऑलो सी वेर माई आंसर वेट रॉन्ग ओके ईशा अंडरस्टैंड आपकी बात बट uh, एक चीज मतलब आप समझिए आप क्या कर सकते हैं जैसे कि मैंने अभी ऊपर भी समझाया अब अपनी आंसर शीट्स मंगवाइए ऐसा नहीं हुआ होगा कि आपको हर आंसर को उन्होंने कम मार्क्स दिए होंगे कुछ आंसर्स में आपको बेटर मार्क्स भी मिले होंगे सो देन यू कैन देसो अंडरस्टैंड कि किस प्रकार का आंसर लिखने पे मुझे अच्छे मार्क्स मिलते हैं और किस प्रकार का आंसर लिखने मुझे बुरे मार्क्स मिलते हैं सो विल गेट अ फेयर आइडिया ओके सो दैट बी द बेस्ट थिंग एंड हंड्रेड परसेंट द वे यू आर सेइंग कि आप टेस्ट लिख रहे हैं तो बस टेस्ट राइटिंग प्रैक्टिस कंटिन्यू करिए एंड्रेड एंड टेन परसेंट यूर क्लियर हंड्रेड एंड टेन परसेंट यूथ क्लियर ओके डायमंड जैन जी मैंने सेम चीज ओल्ड सिलेबस के लिए है कि जो मल्टीपल क्वेरीज है सेम है वही कि मैंने बताया कहाँ आपको लेक्चर्स मिलेंगे बताया कि अमेंडमेंट्स आपको किस प्रकार से देखने होंगे आई न्यू सेलेबस स्टूडेंट आई गोट वन एटी मार्क्स इन फर्स्ट मॉडल आई वॉलरेडी टेकन सेनड्राइव इंस्पायर अकेडमी मॉडल्स इन जू और शुडाई हो चुका एक महीने में जीजान लगा के मॉड्यूल टू का सिलेबस दे सकते हैं यही सेशन की सबसे ब्यूटी है कि जब मैं बीस लोगों के क्वेश्चन को आंसर करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली टू हंड्रेड लोगों के बिकॉज बहुत सारे बच्चों के पूछ रहे हैं। माई नॉट पास बहुत मॉड्यूल सो कैन आई क्लियर इन थ्री सो हाउ टू स्टडी सिंपल है देखो सबसे पहली चीज जैसे कि आपने पूछा तीन महीने हो सकता है मैंने ऊपर बताया कि बिल्कुल हो सकता है कैसे मॉड्यूल से पढ़ना चाहिए तो मॉड्यूल से पढ़ते हैं आपको समझना होता है कि मॉड्यूल में बहुत सारी इरेवेंट चीज है तो विदाउट उस पर ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है मॉड्यूल में आपने एक चीज पढ़ी उसकी अपनी समरी बना ली कि ये चीज याद रखने वाली है ये पैराग्राफ है इसमें सिर्फ काम की चीज ये है उसको हाईलाइट करते रहिए मॉड्यूल से पढ़ने का जो मॉड्यूल से पढ़ना चाहिए हंड्रेड एंड टेन परसेंट मैं मोटिवेट करता हूँ डीमेरिट क्या है एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज कैसे करोगे इतना बड़ा मॉड्यूल तो आप हाईलाइटर या फिर एक चीज यूज करते रहिए जिससे आप अंडरलाइन करते रहिए कि इस पूरे पेज में रेलिवेंट चीज तो बस यही है ताकि एग्जाम के दिन पहले मुझे बस ये चीजें पढ़ते हैं क्योंकि एग्जाम के दिन पहले पूरा मॉड्यूल रीट नहीं कर सकते अपने समरी नोट्स चार्ट्स बनाते रहिए ताकि एग्जाम के एक दिन पहले कैसे रिवाइज करोगे अगर वो कर लिया है तो मॉड्यूल जैसे बेटर कोई बुक ही नहीं है दुनिया तो में हम सब टीचर्स के जो नोट्स हैं वो प्रैक्टिकली मॉड्यूल्स ही बनते हैं हम आउट ऑफ आर एक्सपीरियंसेस कैन अंडरस्टैंड दैट दिस हैज टू बी वीडेड आउट कि ये इतने काम का नहीं है दिस हैज टू बी गिवन मोर इम्पोर्टेंस या फिर मॉड्यूल में ये चीज नहीं है ये हमारे नोट्स में एड होनी चाहिए सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नोट्स एंड मॉड्यूल बट हंड्रेड एंड टेन परसेंट मॉड्यूल सर्वोप्रिय है हंड्रेड आर बी एच जो है उनका भी सेम कंसर्न है आई गेस के ओल्ड सिलेबस तो ओल्ड सिलेबस में आपको बताया कि मैंने मेरे बेस्ट पॉसिबल एफर्ट से ओल्ड और न्यू ओल्ड और क्यों क्या कंपनी और सिक्योरिटी दोनों के लेक्चर्स अवेलेबल किए हुए हैं जो मेरा लास्ट बैच था आप उन्हें देख सकते हैं यूल हंड्रेड एंड टेन परसेंट गेट अफेर आइडिया दूसरा सजेशन रहेगा बेटा जी टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो कहीं भी ऐसी जगह ज्वाइन कर लो जहाँ पे आपके पार्ट्स में टेस्ट होते हो कहीं भी ऑल ओवर इंडिया जिस कोने पर वहाँ पर आप कर लो राइट right? जैसे कि आपके जो सिलेबस को तीन चार पार्ट में डिवाइड करें एंड देर आफ्टर टेस्ट लें इस प्रकार से टेस्ट सीरीज़ करिए

अंकिता, मैंने फर्स्ट चीज बताई कि जून अटैम्प्ट के लिए अमेंडमेंट्स जो भी आएंगे वो पूरी मेरी जिम्मेदारी और मैं आपको योगिता परफेक्ट आर्टिकलशिप को लेकर ऑलरेडी सीरीज चल रही है प्रोबेबली सौम्य मैम फॉलो नहीं करेंगे तो सौम्यको इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए उनकी स्टोरी देखिए आर्टिकलशिप से रिलेटेड हर पॉसिबल चीज को बताते हैं इसके अलावा वी है प्लान बट सिंस वी हैव गॉट मतलब सो मेनी प्रोफेशनल के रैंकर्स ना

तो करिए लेकिन पैरेलली पढ़ाई चालू कर दीजिएगा क्यों ऐसा रिवेल्यूशन का रिजल्ट काफी लेट आता है तो अगर आप सोचोगे रिवेल्थ के रिजल्ट के बाद पढ़ाई करोगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे तो पढ़ाई भी चालू करिए रिज्यूमिंग आपको देना है एंड रिवेल्व में बेनिफिट ही होगा उसका नुकसान कुछ नहीं हो सकता

कंपनी में आपका स्टाइपन बेटर रहता है और वहां पे आपको ऑब्जॉर्व होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है मतलब दे माइट हायर यू एज वेल तो दैट इज द बेस्ट बेनिफिट ऑफ अ कंपनी बट अगर लाइफ में आपका एम है नहीं मुझे तो खुद की प्रैक्टिस करनी है तो कंपनी में काम करने का तो खुद की प्रैक्टिस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बिकॉज यू गेट द सेम टाइप ऑफ वर्क देन यू शुड गो फॉर अ मीडियोकर साइज सी एस फॉर्म यू गो टू अ मीडियोकर साइज सी एस फॉर्म देन यू गेट टू वर्क एवरीथिंग एंड देन आपका खुद का प्रैक्टिस करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है अगर आप कंफ्यूज हैं सर मुझे तो पता नहीं मुझे जॉब करनी है या फिर प्रैक्टिस करना है देन गो फॉर अ फॉर्म बिकॉज फर्म में काम करोगे तो आपके दोनों ऑप्शन खुले रहेंगे ठीक है सो आई गिवन अ फेयर आइडिया अगर जॉब चाहिए तो कंपनी इज द बेस्ट है कंपनी से जॉब होना बहुत आसान हो जाता है खैर कंपनीज के जो क्राइटेरिया भी ज्यादा रहता है गेटिंग एन आर्टिकलशिप एन कंपनी इज डिफिकल्ट तो जो रैंकर्स वगैरह होते हैं उनके लिए आसान हो जाती है बट अगर आ, आप एग्जीक्यूटिव के बाद या डायरेक्टली जा रहे हैं तो कंपनी में आर्टिकलशिप मिलना मुश्किल भी है ओके okay? फर्म्स में कंपेरेटिवली आसानी से मिल सकती है तो कुछ चीज़ें बताइए मैंने डिटेल में सोम्यम आंसर करेंगे इसको हम सेपरेट सेशन लेने ही वाले हैं यशस्वनी सर्टेनली मेरे सारे सॉफ्ट कॉपी नोट्स जो है ना वो फ्रीली अवेलेबल हैं तो वो आप कभी भी आप कहीं से भी ले सकते हैं आप मुझे अगर यूट्यूब पे वाट्सएप uh, पे मैसेज करेंगे तो मेरा एक ऑटो रिप्लाई में आता है तो उसमें एक ड्राइव लिंक का शीट आता है उस पर आप क्लिक करेंगे तो से आप सॉफ्ट कॉपी नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं तो वो ऑटो रिप्लाई में ही आपका काम भी हो जाएगा अदरवाइज वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे मिल जाएगा बट रैदर आप यहाँ से करोगे वेबसाइट से आपको सिर्फ सॉफ्ट कॉपी नोट्स मिलता है तो उसमें आपको एडिशन नहीं मिल पाते तो यू जस्ट ड्रॉप अ व्हाट्सएप ऑन Uh, रिप्लाई नहीं कर पाता राइट यू टू अंडरस्टैंड ना मतलब थ्री हंड्रेड मैसेजेस आ रहे हैं well, तो नहीं हो पाता है इस कारण से आप उस पर जब भी मैसेज करेंगे ऑटो रिप्लाई आएगा जिसमें आपको एक ड्राइव लिंक मिलेगा जिससे आप सारे सॉफ्ट कॉपी नोट फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो सारे एडिशन वगैरह भी सब आपको वहां पे मिलेंगे okay? सर आई एम फ्रॉम सिलेबस आई हैव पास इन ग्रुप टू स्कोर्ड एक्जाम इन टैम वेरी डिसऑइटेड बिकॉज वीर इन कॉसिंग टैक्स डोट नो वॉट टू डू दिस वॉज माई फिफ अपटेंट एम वेरी डिसार्टेंड ओके तो आपका ग्रुप टू हो चुका है ग्रुप वन में आप टैक्स और कॉस्ट में पास नहीं हो पा रहे हैं दिप्ति दिप्ति तो दिप्ति वजेस्ट के कहीं ना कहीं अगर आप पाँच अटैम्प्ट से पास नहीं हो पा रहे हैं कॉस्ट और टैक्स में कोई भी बालक ऐसा है तो आपके पढ़ने के तरीके में कुछ गलत है एक दो अटैम्प्ट जो इसको लगते ना तो उसका मतलब कुछ लिख गलत रहा है कुछ तरीका गलत है बट टैक्स एंड कॉस्ट जो कि एमसीक्यू क्यू सब्जेक्ट है उसमें अगर आपको इतनी प्रॉब्लम आ रही है मतलब कहीं ना कहीं आपका सोचने का थॉट प्रोसेस ही गलत जा रहा है तो स्टेप वन स्क्रैच से पढ़ाई करो नए बुक्स लो स्क्रैच से पढ़ाई करो मैं बच्चों को कभी सजेस्ट नहीं करता नए बुक्स देने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो एग्जिस्टिंग बुक्स है उन्हीं से पढ़िए भले किसी के भी हैं नए बुक्स लो आप तीन महीने हैं और आपके सिर्फ चार सब्जेक्ट है ठीक है नए बुक्स लो मार्केट से कोई भी रेफरेंस बुक ले लो बेस्ट पॉसिबल बुक लो मॉड्यूल लो

आपने आप तो आपने पांच अटैम्प दिए तो आपको एक फेयर आइडिया ऑलरेडी सब्जेक्ट का है बस स्क्रैच से पढ़ो फिर पे ध्यान दो हो जाएगा ओके okay? सुधांशु का भी सेम क्वेश्चन है पूरे अमेंडमेंट एडिशन मेरी तरफ से रहेंगे डोंट हैव टू वरी आयुषी माली कह रहे हैं कि तीन महीने में हो पाएगा क्या कैसे पढ़ाई करनी चाहिए जैसे कि मैंने बताया तीन महीने

Your help all the concept to company is clear but sir I'm not able to solve case study properly. I request you sir please start any series relating to case study questions of ऑफ कंप्यू एल okay ma'am i'll certainly try my level best. मैंने एक वीडियो निकाला था थोड़े समय पहले दिसंबर टाइम के पहले एडवांस केस स्टडीज फॉर कंपनी लॉ तो अगर आपके कंपनी लॉ के पूरे स्कैनर के केस स्टडी सॉल्व हो चुके हैं तो मेरा वो वीडियो देखेंगे एडवांस केस स्टडीज फॉर कंपनी लॉ बैशम से लेचा तो उसमें एक बुक है नीचे वो एडवांस डिफिकल्ट वाली केस स्टडीज है

ट अ टाइम तरीके से कि हाँ एक ग्रुप मुझे टेस्ट सीरीज लगाओ एंड है ना तो अंदर से ही नहीं आता बेटा जी जबकि मैं हर बच्चे को कहता हूँ जब मेरे मैराथन होते बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर अब हम आपकी बुक पे आज नहीं एग्जाम है भाई पंद्रह बीस दिन बच्चे मेरी बुक पे मत आओ अब चेंज करना सही नहीं अभी तीन महीने हैं चार पांच अटेम्प्ट हो चुके हैं डो नॉट रीड फ्रॉम द सेम बुक चेंज अर बुक्स थोड़ा सा रील आएगा एबल टू कंफर्टेबली क्लियर सूरज जी

हितेश सेम चीज जैसे मैंने बताई आपको कि ओल्ड सिलेबस कंपनी लॉ के लिए ऐसी कुछ खास स्ट्रेटजी नहीं है यू हैव टू जस्ट आई एम रियली सॉरी बताओ माई स्टूडियो जो है ना मेरे स्टूडियो का एक तरफ जो है इट्स पूरा विंडो एंड इस तरफ प्ले है ऐसा पार्क है छोटा सा तो बच्चों की आवाज आ रही होगी आपको आई एम सॉरी फॉर द नॉइस कंपनी लॉ के अंदर बेटा जी ऐसा कुछ नया स्ट्रेटी मैं नहीं बता सकता हूँ बस ये ध्यान रखो कि एग्जाम में केस स्टडी क्वेश्चंस बहुत डोमिनेटिंग रहते हैं तो पहले आपके नॉर्मल की स्टडी कर लो स्कैनर वाले मेरे एडवांस की स्टडी बुक कर लो ठीक है है मोर यू विल कंफर्टेबली बी एबल टू क्लियर थिंग अपने अपने कॉपीज़ मंगवाइए आपको से दस रुपए में कॉपी आएगा एंड आपको समझ में आएगा कि, आएगा कि आप किस प्रकार से आंसर लिखते हैं तो आप गलती कर रहे हैं और किस प्रकार से आंसर लिखते हैं तो आपको मार्क्स अच्छे मिल रहे हैं राइट एंड उस तरह से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आप बहुत बेटर तरीके से स्कोर कर पाएंगे ओके चलिए

that एक attempt के अंदर 10 all India ranks more than 10 all India ranks so that's it's an insane result so 110% the team is motivated by ऐसा double efforts कि अगली बार तो और आग लगा देंगे okay तो I'll do one thing I'll just close the window so that ये आवाज आना कम हो जाएगा स पीपल आवाज थोड़ी सी कम हुई होगी <laughs> चले यार हिमाशो गोयल कह रहे हैं सर थर्ड ग्रुप में इंडिव्युअल पास हूं बट एग्रीकेट नहीं हुआ एनसर आबीसी में बहुत अच्छा लिखा आया था बट आई गॉट फिफ्टी फोर ओनली सो प्लीज गाइड वॉट टेक्निक शुड भी यूज टू राइट आंसर एक्जामिनेशन हिमाशु सबसे पहली चीज तो ऐसा है थर्ग्रुप प्रोफेनल क्या बात करें फिफ्टी फोर इज अ गुड स्कोर सबसे पहले फिफ्टी फोर इज गुड स्कोर फिफ्टी फोर इज नॉट अ बैड स्को एट ऑलेशन एग्जामिनेशन एग्रीगेट नहीं बना उसका कारण यह हुआ होगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेपर में आपने मार्क्स उतने मतलब आंसर उतने अच्छे नहीं लिखे होंगे एमसीएस का पेपर ट्रिकी था तो आई कैन अंडरस्टैंड उसमें थोड़ा सा कम स्कोर आया होगा बट फंडिंग में यू कैन वर्क रियली हार्ड सो जस्ट गेट योर कॉपीज अंडरस्टैंड वेर यू हैवेंट गॉटन द मार्क्स एंड देन प्रिपेयर अड आईबीसी में फिफ्टी फोर इज अ वेरी गुड मार्क तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है यू टू वर्क हार्ड फॉर अदर सब्जेक्ट्स राइट आपको थोड़ी सी मेहनत एमसीएस और फंडिंग में करनी होगी सो दैट विल रियली हेल्प हेल्प यू एंड जून के लिए आई एम प्लानिंग इस रिविजन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स सो लेट्स होप दे आपका क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेसिफिक नहीं है इन्फॉर्मेशन गाइडेंस ऑफ प्रोसीजर आफ्टर क्लियर ओके आफ्टर क्लियरिंग अरे बेटा जिसका पूरा डिटेल वीडियो आने वाला मैंने आपको बताया आफ्टर क्लियर एक्जीटिव हेल्पिंग हैंड जो मैंने बनाया उनके लिए जिन बच्चों को थोड़ा सा हाउड um, एक्सप्लेन जो बच्चोंगलिंग उनके लिए बनाया गया सीरीज आपके लिए तो भाई साहब मतलब दुनिया भर का जगत है

ये कौन है बताएं ये यही बच्चे ने नीचे खेल रहे हैं वॉट हैपन फ्यू डेज मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा थोड़े दिन पहले मैं पे कर रहा था आप तो बच्चे नीचे तो मुझसे पूछने आते सर आर यू अ गेमर थॉट आई मुझे बोलना पड़ा नॉट दैट कूल वैसे जितना आप सोच रहे हैं टीचर <laughs> यो बालक है यहाँ तक देख रहे होंगे प्रियोरिटी फॉर आर्टिकल ट्रेनिंग

अगर आप कल कोई छोटी सिटी में जाकर प्रैक्टिस करने वाले तो तो आपको ऑथेंटिक प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी पहले वाली सारी फाइलिंग वाली बट अगर आप नए प्रैक्टिस अपनी एज के तो उसके अंदर आई वुड सजेस्ट कोई नया एरिया एक्सप्लोर करो लाइक like इंसॉल्वेंसी लो सीआरपी के प्रोसीजर्स हो रहे हैं सोरे स्टूडेंट ऑफ माइंड इज वर्किंग फॉर दिस वीडियोकॉन कंपनी का सीआईरपी तो वीडियोकॉन का सीआरपी देख लेगी वो व्यक्ति तो मैं कह रहा हूँ मतलब वो फ्यूचर में कितनी बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर पाएगी वेन शी एस सीन सी आई आर ऑफ कंपनी लाइक वीडियोकॉन राइट

सर्च फॉर गुड यूट्यूब रिविजन वीडियोज़ राइट जो भी टीचर आपको पसंद आता हो उन टीचर का यूट्यूब रिविजन वीडियो देखिए इंस्पायर की टीम हंड्रेड एंड टेन परसेंट उसके रिविजन वीडियोज आप देखिए एंड इसके अलावा जॉयना टेस्ट सीरीज मोटिवेशन चाहिए यार मोटिवेश तो मजा नहीं आएगा तो हर वो बालक जो कि बहुत समय बाद एग्जाम दे रहा है जॉब के साथ दे रहा है कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो जो आपको ब्रैकेट में टेस्ट लेती हो कि आपके सिलेबस को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया आप इस पार्ट का टेस्ट है इस पार्ट का टेस्ट है एंड कहीं भी जॉइन करो आपके होम टाउन में जहां टेस्ट सीरीज मिल रही है वहाँ जॉइन करो बट जॉइनाज़ रियली मोटिवेट यू

चिंता मत करो अब मैं और ज्यादा नहीं लेगा ये ये सब हो गया है दीप्ति जी दीप्ति जी का नहीं ये वाली दीप्ति नहीं एक और दीप्ति जी थी ये सब आंसर हो चुके हैं ये सब आंसर हो चुके हैं क्या बात है अरे यार बहुत सारे कमेंट्स के आंसर हो चुके हैं दीप्ति जी कहाँ हैं आप दीप्ति जी तक पहुंचे थे हम ओके अपन ने ऊपर पहले वो लगाया नहीं है अपन को लगाना होगा अरे यार बेटा जी एक तो कभी कभी इंटरनेट का भैया फिल्टर में देते हैं हम सॉर्ट बाय टॉप कमेंट्स टॉप कमेंट्स लगा दिया यहाँ पे हम दीप्ति जी तक पहुँचे थे दीप्ति जी ने अभी कमेंट डिलीट तो नहीं कर दिया चलो चलो एक मिनट देंगे बस दीप्ति जी तक पहुँचाऊँ मैं ये सारे कमेंट्स के आंसर हो चुके हैं ये रहा दीप्ति

बस आई नीड योर हाउ टू गट योर स्टडी मटीरियल प्रेरणा जी क्या कर सकते हैं आप जैसी एटलोन uh, करेंगे आप क्लिक करके नोट्स दे सकते हैं सारे मस्ती से पढ़ो और सब कुछ हो जाएगा मेरी आपसे बस एक दरखास्त है मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा uh, मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा तो आपके करिए मैसेज करिए वॉटर प्लाएगा वहां से लीजिए और उसमें एक प्यारा सा बस थैंक यू करके छोड़ दीजिए ठीक है किस बालक का सब प्यार मोहब्बत से काम हो चुका है ओके तो प्रेरणा जी आई थिंक ये हो जाएगा आपका तो आपका सब कुछ आपको वहां पर मिल जाएगा नोट्स वगैरह सब कुछ ओल्ड सिलेबस के लिए मैंने जैसे कि बताया कि मेरा एक ऐप है शुभम शुक्ले मेटरशिप वहां पे सिक्योरिटीज लॉ के नोट्स और लेक्चर्स मिल जाएंगे और यूट्यूब पे ही आपको कंपनी लॉ बूस्टर स्टेट ढूंढेंगे तो मेरे 27 लेक्चर्स की सीरीज है जो कि काफी पुरानी है बट उसमें पूरा आपको ओल्ड सिलेबस के लेक्चर सारा ही सिलेबस कवर किया हुआ क्लियर है तो वो भी आपको मिल जाएगा अमेंडमेंट्स आपको सेपरेटली पढ़ने पड़ेंगे मैम तो ये मैं पहले आंसर कर चुका हूँ ये देखो ये जो प्रजोत कुलकर्णी कह रहे ना, एक इट वर्थ, एक वाले भी व्यक्ति ने कहा था वो यही मेरे फ्री लेक्चर्स की बात सो so मच के लिए राजावटे be सर की आपके लिए कुछ ना कुछ करें प्रैक्टिकल्स के लिए राजावटे सर एंड सलीम सर वैसे भी हमेशा वेलकमिंग है इन सब चीजों के लिए तो कुछ ना कुछ आपके लिए आएंगे बोथ ग्रुप नॉट क्लियर नेक्स्ट टाइम क्या करें बोथ या सिंगल ध्रुव डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन पे राइट right? मैं जनरली सजेस्ट करता हूं बोथ ग्रुप दीजिए ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है क्लियर करने की बट अगर आपको अपने मार्क्स और प्रिपरेशन देख के लगता है कि नहीं यार बहुत ही कम आए हुए मार्क्स हैं या फिर मेरे को एग्जाम देते टाइम कॉन्फिडेंस ही नहीं था मैंने तो टेस्ट पेपर दिए ही नहीं कुछ भी मैंने प्रिपरेशन अच्छे से की नहीं तो एक ग्रुप दीजिए लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार मेरी प्रिपरेशन अच्छे से हुई थी इट इज अ शॉर्ट या मैं थोड़ा पैनिक करके इसलिए क्लियर नहीं हुआ सो स्टार्ट राइटिंग टेस्ट पेपर फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स एंड गिव बोथ द ग्रुप यू विल बी कंफर्टेबली एबल टू क्लियर इट ऑल ओके

कपिल फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो गए बहुत बढ़िया है ओल्ड सिलेबस एंड हाउ शूड प्रीफर फॉर सेकंड ग्रुप जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेकंड ग्रुप के लिए सिक्योरिटी जो मेरा सब्जेक्ट है शुभम सुग मेंटोरशिप के ऐप आप पे आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे मस्ती से देखो मस्ती से पढ़ो अमेंडमेंट्स एक्स्ट्रा एफर्ट लेके पढ़ने होंगे बट मेरे यूट्यूब हमारे यूट्यूब चैनल पर इंस्पायर अकेडमी यूट्यूब पर आपको हर सिक्स मंथ्स के मेरे अमेंडमेंट्स भी मिल जाएंगे दे विल रियली हेल्प यू कीर्ति जी कह रहे हैं थैंक यू सो मच क्लियर थर्ड ग्रुप विद योर गाइडेंस अरे कीर्ति जी थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच आई थिंक आज यहाँ पे हम रुकेंगे ठीक है माई इंटेंशन वुड ऑलवेज बी टू ट्राई एंड हेल्प एज मनी एज यू कैन मुझे ऐसा लगता है शायद हमने फिफ्टी सिक्सटी कमेंट्स हैंडल किए होंगे बट इससे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स के क्वरीज सॉल्व हुए होंगे बिकॉज होता कैसा जैसे कि आप देखोगे ना तो फिफ्टीन ट्वेंटी कमेंट्स सेम ही है कि ओल्ड सेलेबस कैसे पढ़ें बहुत सारे सेम ही है कि सर न्यू सिलेबस प्रोफेशनल की तैयारी कैसे करें बहुत सारे सेम ही है जैसे कि हमें तीन मंथ इनफे एक्टर एक सेल्फ स्टडी के लिए तो इस तरीके से मेरा इंटेंशन यह रह रहता है कि मैं मेजॉरिटी बच्चों की क्वेरी को एक्चुअली आपके दिल तक सॉल्व कर पाऊँ

कीप मोटिवेटिंग अदर पीपल टू कमेंट आपके कमेंट जो होंगे इंट्रोडक्शन पे होना इंट्रोडक्शन वाला इसी पे कमेंट करिए इंट्रोडक्शन वाला वीडियो इसी पे कमेंट करिए तो नेक्स्ट टाइम इन्हीं के नीचे वाले जो कमेंट्स है वहां से हम आगे बढ़ते रहेंगे सो so दैट हमेशा 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 कैसा हो गया कि हम आगे आगे कोशिश करेंगे जितने ज्यादा बच्चों के कमेंट्स होंगे आई थिंक वो रिपीटेड जो क्वेश्चन होंगे राइट वो स्किप कर देंगे और आगे बढ़ेंगे हेल्प ऑल ऑफ यू 298 हंड्रेड नाइनटी कमेंट्स जैसे कि मैंने अभी कहा मुझे लगता है अगली बार आएंगे तो और ज्यादा होंगे बट हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे हमने प्रोबेबली 60 70 कमेंट्स ही कवर किए बट उसमें बहुत बच्चों के आगे के भी क्वेश्चन आंसर आंसर हो चुके होंगे तो जो भी आपका क्वेरी है यहाँ पे कमेंट करिए आई वुड रियली 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 ट्राई माई लेवल बेस्ट टू हेल्प यू दैट ओके एक छोटा सा इनिशिएटिव इनिशियेटिव हेल्पिंग हैंड एक मेरे रिक्वेस्ट है उन बच्चों से जिन बच्चों hmm. का अभी एग्जीक्यूटिव क्लियर हुआ है प्रोफेशन क्लियर हुआ आई बिलीव कि आपको भी जीवन में जो भी मिलेगा इसी प्रोफेशन से मिलेगा तो आपका भी थोड़ा दायित्व बनता है आप क्या करिए और हेल्पिंग हैंड के अंदर जो बच्चे के आपको कमेंट लगता है कि आप उसको आंसर कर सकते हैं आप भी कोशिश करिए उसको आंसर करने का हर वो बालक जो कि एग्जीक्यूटिव क्लियर हुआ, हुआ है प्रोफेशनल क्लियर हुआ है सीएस बनाए आप चाहते हैं हेल्पिंग हैंड सीरीज इसके एपिसोड चाहिए थ्री मैं हमेशा आंसर करूंगा उन क्वेश्चन को वही जो इंट्रोडक्शन के नीचे राइट तो आपको मेरे एपिसोड वन के नीचे कमेंट नहीं करने क्वेश्चंस वहां पे आप अगर चाहें तो दूसरे बच्चों को अप्रिशिएट कर सकते हैं जिन्होंने आपकी हेल्प किए बट कमेंट्स हमेशा हम इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर के नीचे देखेंगे

And thank you so much, people, for your nice, nice patience. I'll see you, people, in the next episode of A Helping Hand. Bye-bye.